नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री की आज 109वीं जयंती यानी जदयू कार्यालय में भी मनाई गई और जदयू कार्यालय में तमाम नेता मौजूद रहे। साथ ही आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी की मौजूदगी में तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया था। वहीं जिस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार की बात कर ले या वित्त मंत्री विजय चौधरी की, तमाम नेता या प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, तमाम नेता वहां पर मौजूद रहे। वहीं जिस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने जो कहा है कि आखिर में जिस तरीके से जो बिहार मॉडल है यानी जो हमारे नेता की जो छवि बनी हुई, अब पूरे देश में इनकी छवि आगे बढ़ रही है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अब बिहार मॉडल जो है दिल्ली के लाल किला पर भी जाएगा, पहले सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे श्रवण कुमार। जिसको भी भारत सरकार कहती है केंद्र पर जो योजना, इसमें कौन लोग काम करते, इसमें गांव के गरीब लोग काम करते, हमारे त्रिस्तरीय पंचायतों के जो प्रतिनिधि है वो काम कराते हैं, गांव के गरीबों को बाहर राज्य से जाना नहीं पड़े, इसके लिए मनरेगा योजना चलाया जा रहा है। मनरेगा योजना में अभी भी मजदूरों को मजदूरी देने के लिए भारत सरकार पैसा नहीं देती, मजदूरों को मजदूरी देने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है। मटेरियल का 11,000 करोड़ से ज्यादा रुपया आज भी बकाया है भारत सरकार में। और मनरेगा में जो बजट में भारत सरकार ने कटौती किया है, 33% की कटौती किया है, ये दिल्ली से गरीबों का खिदमत करने वाली सरकार, जुमला बाजों की सरकार, असत्य का सहारा लेकर के लोकसभा में जाना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, खास करके गरीबों से, नौजवानों से और आज यहाँ उपस्थित सभी लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस तरह से 2 बार ठगी का काम करके दिल्ली में आसीन हो गए, अगर आप गरीब लोग अगर ठगी के शिकार होते रहोगे तो आपका जिंदगी संवरने वाला नहीं है, आपकी आने वाले भविष्य की भी जिंदगी संवरने वाला नहीं है। कि दिल्ली जाने का जो रास्ता है, बिहार से उत्तर प्रदेश होके दिल्ली, बिहार में पूरी तरह से 40 में से 40 सफाया करेंगे, जुमला वाजों को आगे जाने नहीं देंगे। तो आपने सुना किस तरीके से श्रवण कुमार ने अपनी बातों को रखा, साथ ही कह दिया जिस तरीके से उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब बिहार मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है और बिहार मॉडल जो है अब दिल्ली के लाल किला पर पहुंचने जा रहा है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के खास करीब रहने वाले, उन्होंने कह दिया जो इनके जो तीनों त्रिशूल हैं यानी ईडी सीबीआई को लेकर के साफ साफ निशाना साधते हुए कहा कि हमारे जो नेता है बेदाग है, अब इनकी छवि जो जिस तरीके से बेदाग है, इनका त्रिशूल इनके हमारे नेता पर काम नहीं करता और जिस तरीके से हमारे नेता लगातार आगे बढ़ रहे और इनकी शुचिता है, एक तरीके से कहे साफ साफ कहा है कि इनकी एक तरीके से मतलब व्यवहारिकता या कहे जो भी है कि इनकी तमाम जो विपक्षी दलों की एकजुटता है, इससे लोग घबराए हुए। पहले सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी। हम चुनौती के साथ कहते हैं कि चाहे किसी चीज पर ले लीजिए, उपलब्धियों के तौर पर ले लीजिए, बिहार की सूरत और सीरत बदलने को लेकर देख लीजिए, पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता के मामले में देख लीजिए, या फिर जैसा कि हमारे अनेक वक्ताओं ने कहा है, जिनकी जयंती हम मना रहे हैं उनकी जो विशेषता है, जिसकी चर्चा सारे लोगों ने की है कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए जो शुचिता, ईमानदारी की बात आप ले लीजिए, आज पूरे देश में अगर कोई एक आदमी सबसे ऊंचा बेदाग खड़ा दिखता है राजनीति में तो वह सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। आप सोचिए देखिए कि आज केंद्र सरकार भी अपने जो इनके तीनों त्रिशूल के जो तीनों मैंने भाले हैं कि चाहे सीबीआई हो, ईडी हो या इनकम टैक्स हो, ये इनका त्रिशूल जो तीन तरफ आप नजर घुमा के देखिए सब पार्टी को कहीं से घेर के चुभा रहा है, लेकिन एक ही व्यक्ति है कि जिसके तरफ इनका त्रिशूल फेंकने की तो बात छोड़ दीजिए, चलाते हैं तो घूम के खुद को महसूस होता है, इनको खुद को लगता है ये हमारे नेतृत्व की का व्यक्तित्व है और उनकी सलाहियत है। तो आपने सुना तमाम बातों को विजय चौधरी जो है वित्त मंत्री ने रखा, वही
श्रवण कुमार ने भी रखा, साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे। यानी अब एक तरीके से कहे कि नीतीश कुमार का जो है जो विपक्ष को पूरा एकजुट करने में लगे हुए थे, वहीं अब इनके नेता जो है चाह रहे, यानी साफ साफ इशारों इशारों में कह रहे कि अब हमारे नेता की जो छवि है, पहचान है, अब दिल्ली तक पहुंचने जा रही है और ये नेता हमारे बेदाग हैं, इसीलिए बिहार मॉडल जो है दिल्ली के लाल किला पर पहुंचने जा रहा है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।